नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिस सेटिंग का नाम दोस्तों है गेस्टर एंड मोशन। ये जो दोस्तों गेस्टर है ये अलग प्रकार की सेटिंग है और जो मोशन है ये अलग प्रकार की सेटिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों सेटिंग बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको साइड में स्क्रीन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च बार का, यहाँ पर देख सकते हैं। सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस पर तीन वर्ड लिखना है, GES, ठीक है। लिखने के बाद आपको एक फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है गेस्टर एंड मोशन। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन ऑफ गेस्टर, ठीक है। हम लोग ये आपको एक सेटिंग लगता होगा मगर इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये अनेबल का ऑप्शन आता है, इसको हम लोग अनेबल कर देंगे। देखिए पहले पर आता है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। दूसरे पर आता है ड्राव, अगर आप ओ बनाते हैं टू ओपन कैमरा, स्क्रीन आपका बंद रहेगा। अगर आप ओ बना देते हैं या फिर ज़ीरो बना देते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा वी, अगर आप वी बनाते हैं तो आपका टार्च जो है लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये सब मैं पहले से अनेबल करके रखा था, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसको अनेबल किया हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूज़िक कंट्रोल, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो इससे आप अपने स्क्रीन पर अगर ऐसे स्लाइड करते हैं तो आपका म्यूजिक बंद हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर इधर से ऐसे करेंगे, एरो बनाएंगे राइट या फिर लेफ्ट, तो इससे सॉन्ग चेंज होता है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं दोस्तों, मोर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये देखिए। अगर आप कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ड्रा करते हैं ऐसे वी का उल्टा, तो इसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए देता है, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं या किसी कॉल करना चाहते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहां से आसानी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्लाइड अप, अगर आप ऐसे स्लाइड करते हैं आपकी ऊपर की तरफ या फिर डाउन की तरफ, बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर टू वेक टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको हम लोग अनेबल कर देंगे। और नीचे लिखा हुआ है टार्च एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू वेक स्क्रीनशॉट, इसको भी अनेबल कर देंगे। ये ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, मैं आपको बताऊंगा। रेस टू वेक, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अनेबल कर दिया, ठीक है। और मैं जाता हूँ होम पे, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन बंद है, ठीक है। स्क्रीन बंद हो गया है, ठीक है। अभी देखिए ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा, देखिए ऐसे करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऑन हो जाएगा। अभी ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। अभी इसमें वीडियो भी बन रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और चलिए मैं आपको
कुछ और ऑप्शन इसमें बताता हूँ, कुछ और सेटिंग बताता हूँ इसमें। थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। नीचे आता है लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, अगर इसको आप अनेबल कर देते हैं दोस्तों और अपने कान की ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका जो कॉल है रिसीव हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे फीचर हैं जिसको आप अनेबल करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं सभी को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।